गाइस अगर आपके पास भी ट्रू एयरबड्स लाइट है और इसमें आपको वन साइड नेटवर्किंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, आपको दो दो एयर नो डिवाइस में जाकर दो दो लिखा हुआ आ रहा है कि ट्रू एयरबड्स लाइट करके, तो ये दोनों अलग अलग अगर आपके भी कनेक्ट हो रहे हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इन्हें पेयर अप कैसे कर सकते हैं कि दोनों एक साथ कनेक्ट हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नो एयरबड्स नहीं पेयर हो रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो गाइस इसका चार्जिंग का भी हो सकता है। आपको अगर ऐसा फेस करने को मिल रहा है कि दो दो एयरबड्स आ रहे हैं वहाँ लिखे हुए, तो आप सबसे पहले अपने ट्रू एयरबड्स लाइट को फुली चार्ज कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। सो गाइस या फिर आपके एयरबड्स पूरी तरह चार्ज हैं, तो दूसरा मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आपको दूसरी क्या प्रॉब्लम आपके एयरबड्स में हो सकती है। तो दूसरी प्रॉब्लम को आपको सोल्व करने के लिए अपना जो मोबाइल का ब्लूटूथ है उसे ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं लगाकर छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल का ब्लूटूथ मेन्यू में जाइए और वहाँ से फॉरगॉट या फिर अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर लिखाएगा ट्रू एयरबड्स लाइट, वहाँ पर आपको इसे डिस्कनेक्ट कर देना है और ईयरबड्स को वापस चार्जिंग केस में आपको डाल देना है। उसके बाद दोनों ईयरबड्स को वापस बाहर निकालना है और मोबाइल से वापस कनेक्ट करना है दोबारा पेयर न्यू डिवाइस करके। हो सकता है गाइस आपकी इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बाकी मैं आपको इसमें टोटल 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनसे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगी गाइस। सो गाइस पहला तो मैंने आपको चार्जिंग का बता दिया, दूसरा मैंने आपको मेथड बता दिया है, तीसरा मेथड आपका यह है कि आपको अपने ईयरबड्स को टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ कैसे करना है, आपको इसे इसमें से बाहर निकालना है केस में से और इसे आपको 5 सेकंड तक ऐसे प्रेस करके रखना है गाइस। तो इसमें बोलेगा पावर ऑफ, तो जैसे आप इसे पावर ऑफ कर लेंगे उसके बाद मोबाइल का ब्लूटूथ में जाकर उसे भी ऑफ करके आपको इसे डिस्कनेक्ट कर देना है और इन ईयरबड्स को गाइस वापस आपको इसमें चार्जिंग केस में वापस डाल देना है इस तरह से। तो उसके बाद जैसे आप इसे वापस डालेंगे इसमें आपको यहाँ पर देखिए गाइस इस तरह से वाइट लाइट शो होगी, आपको दिख रही होगी। तो इसे वापस से गाइस कुछ देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आप इसे वापस दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे गाइस। अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ गाइस तो आप वीडियो में बने रहिए, फोर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके एयरबड्स हो सकता है गाइस पूरी तरह चार्ज ना हो, केस में तो लग रहा हो कि ये पूरी तरह चार्ज हो चुके हैं लेकिन इनका ओरिएंटेशन अच्छा ना हो। तो आप इसे यहाँ से अच्छे से, ये जो आपको दो गोल्डन कलर के दिख रहे हैं इन्हें आपको अच्छे से किसी क्लोथ से साफ़ कर लेना है और उसके बाद वापस इसे में रखकर छोड़ देना है। इससे भी हो सकता है आपके एयरबड्स पेयर अप हो जाएं। और लास्ट ऑप्शन मैं आपको इसमें जो बताने वाला हूँ वो है कि आपको अपने मोबाइल के ब्लूटूथ सेक्शन में जाना है और वहाँ पर वापस से इसे ट्रू एयरबड्स लाइट को डिसकनेक्ट कर देना है और ईयरबड्स को वापस अपने चार्जिंग केस में डाल देना है। उसके बाद अपने ईयरबड्स को इस तरह से बाहर निकालना है और इन्हें वापस स्विच ऑफ कर देना है इस तरह से, 5 सेकंड तक प्रेस करके इन्हें स्विच ऑफ कर देना है इस तरह से और उसके बाद वापस से इसमें चार्जिंग केस में डाल देना है और आपको कुछ 5 मिनट का अराउंड वेट करना है। उसके बाद आप इसे वापस कनेक्ट करके देखना, इस बार आपके एयरबड्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपके एयरबड्स अब कनेक्ट हो गए होंगे। बस अगर आपके एयरबड्स अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है गाइस, उसका नंबर मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको इसमें कॉल करना है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर देनी है। उसके बाद वे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर देंगे या फिर आपको इसके सर्विस सेंटर पे भी जाना पड़ सकता है गाइस। बाकी मुझे नहीं लगता कि इन सब को करने के बाद जो मैंने आपके 5 स्टेप बताए, मुझे नहीं लगता कि आपके एयरबड्स कनेक्ट ना हुए हों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा सभी, बाय।